हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन शाइन। वेलकम टू माहिस लाइफ स्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर मज़ेदार व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी लास्ट फ्राइडे से, और आज भी फ्राइडे ही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो ये पूरे वीक का व्लॉग है। सबसे पहले सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। फ्राइडे को मैंने मटन पुलाव बनाया था, सो बस ये उसके कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। बस ये मटन पुलाव तैयार हुआ तो हम लोगों ने फिर साथ में चपली कबाब फ्राई कर लिया, खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग गैलरिया चले गए। एज यू ऑल पीपल नो कि मेरे भाई भाभी सऊदीया से आए हुए हैं, सो बस हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग वगैरह उन्होंने करनी थी। तो गैलरिया में इस कदर रश था और इस कदर पेंडू रश था, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना चेज़ पे घूम रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रश था गैलरिया पर। सो बस वहाँ पर सबसे पहले हम लोग हुक्स पॉच पे गए, क्योंकि फातिमा के लिए कुछ कपड़े बाय करने हैं। फातिमा की स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है सेप्टेम्बर से, सो भाभी उसके लिए ईस्टर्न कपड़े ज़्यादा कलेक्ट कर रही है, क्योंकि स्कूल्स में कोई ना कोई ट्रेडिशनल डे तो आता ही रहता है। सो उस वक्त फिर होने चाहिए पास। और मैं यहाँ पर गैलरिया से ही अपने लिए एक फ्रेम बाय कर रही थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन से कलर का फ्रेम लिया होगा, वेदर आई बॉट वाइट और वेदर आई बॉट मैरून। उसके बाद हम लोग जे डॉट पे चले गए, और जे डॉट से भी भाभी ने फातिमा के लिए कुछ शलवार कमीज़ें लीं, और भाई के लिए भी कुर्ता वगैरह लिया। और फिर उसके बाद हम लोग मिनी सू गए। फातिमा यहाँ पे बस अपने लिए टॉयज़ वगैरह देख रही थी, क्योंकि बच्चों को तो बस टॉयज़ नज़र आने चाहिए, और फातिमा ने तो हर बार बाहर से जब आना है ना, बाहर जब भी जाना है तो उसने कोई ना कोई टॉय ज़रूर लेना होता है। यहाँ पे वैसे भी उसको पता है मैं वेकेशंस पे आई हुई हूँ, सो बस फिर टॉयज़ तो ज़रूरी हैं। सो यहाँ पे मैं भी चीज़ें वगैरह देख रही थी, और इनका एक प्रॉपर एक सेक्शन बना हुआ था, वहाँ पे बारबी की ही सारी चीज़ें लगी हुई थी। ये सेक्शन बारबी का ही बना हुआ था, बारबी बैग, बारबी स्टफ़ लाइक दैट ना, ये सारा बारबी का सेक्शन था। और नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने बनाने का सोचा आलू फलियाँ। पहले मैं चिकन फलियाँ बनाती हूँ, लेकिन भाई कह रहा था आलू फलियाँ बना लो, सो बस यहाँ पे मैंने फलियों को डीप रोस्ट कर दिया था और प्याज लहसुन को फ्राई करने के लिए रख दिया था। रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि गर्मी बहुत है। सो एक साइड पर मैं फातिमा के लिए फ्राइज़ और नगेट्स फ्राई कर रही थी। तो आप लोग बताएं आप लोगों की सबकी ईद कैसी गुजरी, क्या क्या पकाया, क्या क्या खाया, और गर्मी कैसी गुजर रही है। ये जी आलू फलियों की फ़ाइनल लुक, बस यहाँ पे मैं इसको ना दम लगाने लगी थी। सो मैंने कहा चलो अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ फ़ाइनल लुक ही शेयर कर देती हूँ। रेसिपी भी कभी रिकॉर्ड करूँगी, आजकल थोड़ी मसरूफियत है। सो बस उसके बाद फिर इवनिंग में मैंने अपना फेवरेट लीची फ्रूट को इन्जॉय किया, क्योंकि ये थोड़े से देर के लिए आती है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। सो मैं इसको इन्जॉय कर रही थी। खाने से फ्री होने के बाद फिर रात में हम लोग स्टाइलो लाइफस्टाइल चले गए। यहाँ पे फातिमा के हम शूज़ वगैरह बाय कर रहे थे, और यहाँ पे फातिमा को पहन पहन के दिखा रहे थे। वो चॉइस कर रही थी ये दिस लुक्स नाइस, दिस लुक्स नॉट नाइस, दिस इज़ कम्फर्टेबल, दिस इज़ नॉट कम्फर्टेबल। सो बस यहाँ पे वो अपनी वॉक करके भी देख रही थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चलने में। सो बस यहाँ पे हमने फातिमा के शूज़ वगैरह लिए। उसके बाद मैंने और भाभी ने फिर अपने लिए भी देखे, भाभी ने भी स्लीपर्स लिए, कुछ मैंने भी लिए। यहाँ पे बस भाई बिल करवा रहा था। यहाँ से फारग होकर फिर हम लोग इंसिग्निया चले गए, भाभी ने वहाँ से बैग वगैरह लिया। आप लोग बताएं सब लोग कैसी जा रही है लाइफ। व्लॉग्स आजकल कम ही आ रहे हैं क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और रिकॉर्ड मैं फिर भी कहीं भी आती जाती हूँ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो लेकिन ऑलमोस्ट 8 डेज़ ही हो गए हैं व्लॉग डाले हुए, तो मैंने कहा चलिए आज लंबा सा व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो जो भी मेरी रूटीन है वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद फातिमा को खाने थे नूडल्स, और रेस्टोरेंट में बैठ के खाने थे। फिर हम लोग साल्ट एंड पेपर गए, वहाँ पे हमने फातिमा के लिए नूडल्स ऑर्डर किए, क्योंकि हम लोग तो सब लोग खाना खा के गए थे। सो फातिमा ने रात का डिनर अभी नहीं किया था क्योंकि उसने लंच लेट किया था। सो बस यहाँ पे उसके नूडल्स का वेट कर रहे थे हम लोग। और फिर सामने ही चाय शाय से भाई कुछ चाय पी आए थे और मेरे लिए ले आए थे, क्योंकि लाजमी बात है कि घर आना था तो गैस तो होनी नहीं थी। सो बस यहाँ पे फातिमा को हमने नूडल्स वगैरह खिलाए और घर आ गए। नेक्स्ट डे फिर मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, सेंट यू के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया। पहले भाई ने दो परफ्यूम ऑर्डर किए थे, मुझे अच्छे लगे थे। ये लोग डील करते हैं ओरिजिनल के नियरेस्ट सेंट से। ये जो मैंने मंगवाया था ना, ये कोको शनैल की नियरेस्ट सेंट पे था, ड्यूब था कोको शनैल का, और ये वाकई बहुत अच्छा था। फिर एक और पार्सल भाई ने ऑर्डर किया हुआ था, ये तलवीना आ गया इस्लामिक फूड से, और इसके साथ सत्तू फ्री आया था, और भाई ने भी सत्तू भी बनाया था लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आया, खैर उन लोगों ने पी लिया था। और फिर मैंने टेलर को भी घर में ही कॉल कर ली थी, भाभी ने अपने कपड़े स्टिच करने देने थे, मैंने भी अपने स्टिच करने देने थे, वो घर ही आ गया। घर से ही हमने उसको हर चीज़ समझा दी,
आने जाने का रेंट उनको दे दिया था, तो बस वो इजीली घर से आके सुकून से हम लोगों ने ना उनको कपड़े वगैरह समझा दिए, और उसके बाद फिर भाई शाम में चाट ले आए थे, फिर हम लोगों ने चाट वगैरह इन्जॉय की, फ्रूट चाट भी थी, क्रीम चाट भी थी। फ्रूट चाट वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने तारक मोर पुलाव ऑर्डर कर दिया। मेरे ब्लॉग में आपको खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी आजकल, हैरानी हो। तारक मोर पुलाव आया तो फिर हम लोगों ने तारक मोर पुलाव ऑर्डर कर दिया, और फिर हम लोग लेके चले गए फातिमा को गैलरिया, उसका आज प्लेइंग डे था। फन जोन चले गए, वहाँ पे फातिमा वहाँ पे इतनी सफोकेशन थी, एसी भी कोई काम नहीं कर रहे थे, ज़्यादा लगे भी नहीं हुए थे लेकिन काम भी नहीं कर रहे थे, और गर्मी की भी बहुत ज़्यादा शिद्दत हुई हुई है ना। यहाँ पे फातिमा को मारियो मिल गया, फातिमा को उसने शाही मेवा दिया एज ए गिफ्ट, और फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत कैश दिया, और उसके बाद फिर वो बार बार हमारे पास आ रहा था। उसके बाद फातिमा को हमने राइड्स दी, ये सबसे पहले फातिमा कार में बैठी थी, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो भी वहाँ पे उसकी चॉइस के राइड चलाई, उसने बाइक राइड चलाई, और मैंने भी वहाँ पे बास्केटबॉल भी खेला और मिनी हॉकी भी, और फिर हम लोगों ने डॉजिंग कार भी चलाई। डॉजिंग कार मैंने चलाई थी और साथ में भाई और फातिमा बैठे थे, ये भी एक कार वाली राइड थी। यहाँ पर भी फातिमा के साथ फिर भाई बैठे थे, क्योंकि ज़ाहिर है उसको अकेली को तो नहीं बिठाना था ना। सो बस इसके बाद फिर हम लोगों ने डॉजिंग कार चलाई थी। हमने फंको जाना था, फंको पता किया, लेकिन वो तो कह रहे थे कि 4 ईयर्स के बच्चे भी अलाउ हैं, लेकिन फंको पे ज़ाहिर है जंपिंग वाला वो सारा एरिया है, तो वहाँ पे बड़े लोग बड़े जो बच्चे जंप करते हैं ना, तो फिर ये जो मतलब 4-5 साल की बच्चे बच्चियाँ होते हैं ना, तो उनको चोट लगने के बहुत ज़्यादा ना चांसेस होते हैं। सो हम लोगों ने तो फंको का रिस्क नहीं लिया, और फातिमा को भी उस साइड पर नहीं लेके गए, क्योंकि फिर उसने तो कहना था आई वॉन्ट जंपिंग। सो बस यहाँ पे भाई उसको इस राइड पे लेके बैठ गए थे, उसके बाद उसको था कि मैंने खोखो के साथ डॉजिंग कार भी चलानी है, फिर ये मैं डॉजिंग कार चला रही थी और साथ में भाई और फातिमा बैठे हुए थे। यार मैंने अच्छी चला ली थी और काफ़ी इन्जॉय किया हमने, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ पे फिर ज़्यादा थोड़ा क्राउड होता है तो वहाँ पे फिर एसी भी वर्क नहीं कर रहे होते, और आजकल वैसे भी किसी भी मॉल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो एसी वर्क। फन जोन से फ्री होकर फिर हम लोग फूड कोर्ट आ गए, और हमने सुल्तान शवारमा से मीट मार्गरेटा ऑर्डर किया, और फिर हम लोग घर आ गए। और ये वेनसडे को हम लोग जा रहे थे बड़े भाई के घर, और ये कनाल रोड के कुछ क्लिप्स हैं, और ये फातिमा रिकॉर्ड कर रही थी। सो सनसेट हो रहा था, तो शाम में हम लोग ऑलमोस्ट कोई करीब 7 o'clock के करीब भाई के घर पहुंचे थे, और ये हम लोग उनकी कॉलोनी में एंटर हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, पीसफुल सोसाइटी है उनकी। यहाँ पे हम लोग भाई के घर पहुंच चुके हुए थे, और फिर भाई ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया, भाभी ने मैक्रोनी बनाई हुई थी, बस यहाँ पर सब लोगों ने मिल के पिज़्ज़ा वगैरह इन्जॉय किया, और उसके बाद फिर भाभी ने चाय बना ली, चाय वगैरह पी, फिर थोड़ी देर बाद भाई आइसक्रीम भी लिए, फिर हम लोगों ने सब ने आइसक्रीम वगैरह खाई। और जी कल रात फिर हम लोग बाहर जा रहे थे, हमें जाना था फतेह, डॉक्टर भाई की का डिनर था उसके फ्रेंड्स के साथ। सो मैं भाभी फातिमा हम लोग जा रहे थे अलफतेह, क्योंकि भाभी को कुछ चीज़ें लेनी थी। सो पहले हम लोग गए मारिया बी पे, मारिया बी से भाभी ने एक ड्रेस लिया, और मैंने और भाभी ने परफ्यूम बाय किए, उनकी नई कलेक्शन भी लॉन्च हुई थी परफ्यूम्स की, मैंने उसमें से एक बाय किया, भाभी ने उनकी जो प्रीवियस कलेक्शन थी उसमें से एक बाय किया। सो बस यहाँ पे हम लोग मारिया बी पे थे, मारिया बी के बाद फिर हम लोग अलफतेह चले गए, अलफतेह से कुछ हम लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, कुछ फातिमा की चीज़ें लेनी थी, फातिमा की कैंडीज़, फातिमा का कंडीशनर, कुछ इस तरह की चीज़ें मिसिंग थी उसकी, सो बस वो ली। ये जी इनका फ्रेगरेंसेस का रैक है, और ये जो मिड वाली फ्रेगरेंसेस है ना, ये इनकी न्यूली लॉन्च थी, सो मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे ब्लॉग में। सो यहाँ पे फिर हम लोग अलफतेह आ चुके थे, सबसे पहले फातिमा को टॉयस लेके देने थे, क्योंकि यही प्रॉमिस था कि हम लोग पहले टॉय शॉप पे जाएंगे। सो यहाँ पे उसने फातिमा ने अपने लिए 2 टॉयस लिए, एक गन ली और एक बॉलिंग ली। खैर यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग ग्रॉसरी सेक्शन में आ गए, यहाँ से हमने जो जो भी हमें चाहिए था हम लोगों ने वो बाय किया, और बाय करने के बाद भाई को भी रास्ते में से पिक कर लिया था, लेमोनेड भी लिया, और फिर हम लोग घर आ गए। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी फ्राइडे है, तो सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करें। यहाँ पर जी फातिमा ट्रॉली चढ़ा रही थी, उसको बहुत शौक है। ये जी कुछ हमारी शॉपिंग थी, और ये 2 परफ्यूम बाय किए थे, एक मेरा था और एक भाभी का था, ओपल मेरा था और दूसरा भाभी का था। बस जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था, आई होप आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना, अपना इतना सारा ख्याल रखना। आऊँगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।